तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। भाई स्वागत है आपका मेरी एक और नई ब्लॉग में। और भाई थैंक यू इतना प्यार देने के लिए यार। आप लोगों की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और भाई बहुत अच्छे आप व्यूज़ लाइक देते हो, थैंक यू भाई इसके लिए। तो और भाई आज मतलब क्या हो गया था मेरी बाइक में, जैसे आप लोगों को पता है यार, मैंने इससे पहले वाली मतलब जट प्रॉप जो वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि यार बाइक एकदम मतलब ठुक गई थी, ठीक है ना। और मतलब उसमें मेरे को क्या करवाना था, चेंज करवाना था पार्ट। भाई पार्ट का मैंने ऑर्डर दे दिया था, मैंने पहले ही दे रखा था पार्ट का ऑर्डर। तो भाई वो आ गया है पार्ट, वो जाएंगे लगवाने। और भाई लगवा के मतलब थोड़ी सी अपने जो बाइक की रैपिंग है वो भी निकलवाएंगे और भाई डिटेलिंग करवाने वाले हैं आज अपनी बाइक पे। तो चलते हैं फटाफट, तो भाई लेट हो जाएंगे वरना। तो चलो, तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम सर्विस सेंटर। और भाई देख सकते हो सामने जो हमारा पार्ट है कितना ज़्यादा टूट गया यार, मतलब इसी साइड हमारी पूरी बाइक गिरी थी। और भाई आप देख सकते हो मतलब यार बाइक की मतलब पूरा लुक मतलब ख़राब सा लग रहा है इस पार्ट की वजह से। लेकिन भाई अभी क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा साइड का पार्ट है वो चेंज करवाएंगे। और भाई क्रैश गार्ड आप बताओ कैसा लग रहा है, और मतलब इंडिकेटर भी मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि मैं ZX10R वाले मिरर लगवाऊंगा यहाँ पर। और भाई मतलब देख के बताओ आपको कैसे लग रही है बाइक। तो फटाफट से चेंज करवाते हैं पार्ट को और फिर मैं आपको दिखा। तो भाई मतलब जो हमारा बॉडी पार्ट था वो तो हमने चेंज करा लिया था, ठीक है, मैं दिखा नहीं पाया उस समय। लेकिन भाई क्या था सीन, मतलब जब मैंने चेंज करा लिया, प्रॉपर चेंज हो गया, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे। मतलब जब चेंज हुआ था तब नहीं दिखा पाया था मैं, ठीक है ना। और भाई क्या था, मतलब मैंने सोचा था भाई डिटेलिंग कराऊंगा, मैं डिटेलिंग की शॉप पे गया था, गैलेक्स डिटेलिंग है द्वारका में, वहाँ मैं गया था। उन्होंने भाई मेरी कॉल पर बात हुई थी, उन्होंने बोला थी 1000 लगेगा, मैम ने कॉल उठाई थी। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे उनने बोला भाई 1500 रुपये डिटेलिंग के। मैंने भाई बोला कॉल पे मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने बोला चलो कॉल पे बात होगी तो बढ़िया है। तो भाई आप कभी भी गैलेक्स डिटेलिंग जाओ तो भाई कॉल पे बात करके जाना, वरना यार प्राइस का बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। और भाई वहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई आपकी गाड़ी पर लेमिनेशन हो रखी तो हम लेमिनेशन निकालने के 1000 एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत ज़्यादा है यार, थोड़े कम करो। उन्होंने बोला नहीं भाई 1000 लगेंगे क्योंकि आपकी लेमिनेशन पूरी बाइक पे है तो टाइम लगेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, मतलब 4-5 घंटे बता रहे थे कि लग जाएंगे आपकी बाइक में। और भाई मैं 3-4 बजे पहुंचा ही था, तो उन्होंने बोला था कल मिलेगा। और भाई द्वारका मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो मैंने सोचा चलो अगले दिन मैं मॉर्निंग में दे के आ जाऊँगा। तो लेकिन फिर आगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, फिर मैंने खुद ही रैप निकाल दी अपने बाइक की, ठीक है ना, जिससे मेरे को बहुत सी चीज़ें पता चली, मैं आगे आपको बताता हूँ। भाई जैसे हमारी यहाँ पे सर्विस हो चुकी थी, आप लोगों को पता ही है, मतलब सर्विस नहीं, जो हमारा पार्ट था वो हमने लगवा लिया है, जैसे इस तरफ का आपको पार्ट मैंने दिखाया था, ठीक है। अब हम क्या करवाने वाले थे इस पर, हम करवाने वाले थे डिटेलिंग, ठीक है ना। डिटेलिंग मतलब क्या था हमारा, मतलब ये जो जितने भी हमारी रैप थी ना पन्नी, ठीक है ना, उसको हम निकलवा रहे थे। उसके बाद दोबारा इस पर बफिंग जैसा ही होता है डिटेलिंग एक तरीके से, और पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी। और भाई इसके लिए क्या किया, मैं गया था डिटेलिंग कराने, ठीक है। तो मेरे ऊपर पहले से ही PPF रखा था, मतलब बाइक के ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई PPF निकाल ले के हम 1000 लेंगे, इसलिए मैंने क्या किया भाई खुद ही निकाल दिया घर पे, ठीक है ना। बहुत ईजी होता है, आराम आराम से आप निकालो, ठीक है ना। और भाई निकालने के बाद यार PPF बहुत मतलब गंदी वाली स्मेल आ रही है, पता नहीं कैसा इसमें ग्लू रहता है। तो भाई बिल्कुल चमक गई है गाड़ी, जैसे ब्रांड न्यू होती है ना वैसी होगी ये, देखो, ठीक है ना। पूरी अभी एक बिल्कुल भी पन्नी नहीं चढ़ी इसके ऊपर, ये तो यार पहले स्क्रैच लगा हुआ था। ये देखो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू, ये देखो भाई इतनी पूरी रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें, ठीक है ना। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी पन्नी चढ़ी हुई थी, ठीक है। और भाई मतलब अब मैं डिटेलिंग कराऊंगा इसमें, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा डिटेलिंग में कितना। अभी आप देख लो ये है मतलब कंडीशन बाइक के डिटेलिंग के बाद क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने सोचा तो था यार डिटेलिंग कराऊंगा, लेकिन क्या हो गया, जब मैंने रैप निकाली अपनी, मतलब जो अपनी मतलब लेमिनेशन निकाली अपनी बाइक की, तो भाई मेरे को यार लग रहा था, मतलब जब मैंने दिन में निकाल दी थी, लेकिन मेरे को लग रहा था हाँ भाई करा लेना चाहिए। लेकिन भाई मतलब ना मेरे को फिर नीड नहीं लगी यार, क्योंकि ना इतनी शाइन दे रही थी बाइक, बिल्कुल स्क्रैच नहीं थे। और भाई कुछ माइनर स्क्रैच थे जिससे मतलब गाड़ी जब गिर गई थी वो वाले स्क्रैच, वो मैंने पता किया था वो रिमूव नहीं हो सकते थे डिटेलिंग से भी। तो यार मैंने सोचा 1000 रुपीज़ वेस्ट करना है, ठीक है, इससे बढ़िया यार वॉश करवाऊँगा फॉर्म वॉश अच्छी तरह, ठीक है। तो भाई मैंने डिसाइड किया फॉर्म वॉश कराता हूँ। मैंने गूगल पे मतलब सर्च किया अपने नियरेस्ट, तो भाई मैं मतलब पीतागढ़ी है उस साइड रहता हूँ, तो भाई उसी साइड मेरे को एक शॉप मिली, उस शॉप का नाम था डेविल
डिटेलिंग, ठीक है ना, जैसे डेविल माफिया है ना वैसे डेविल डिटेलिंग है उसके पास। मैंने मतलब डेविल माफिया भाई 700 रुपये लेता है डिटेलिंग, मतलब उसके वॉशिंग के, ठीक है ना। लेकिन भाई डेविल मतलब डिटेलिंग डेविल भाई आपके लेते हैं 300 से 400 रुपये ले लेते हैं और बढ़िया से वॉश कर देते हैं। तो भाई मैं उनके पास गया और भाई मैंने गाड़ी वॉश कराई, वो देखो आप कैसे वॉश हुई है गाड़ी। तो ब्लॉग बना रहा हूँ यार। है ना खुशबू आ रही तो भाई यहाँ पे जो हमारी बाइक है वॉश हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह वॉश हुई है और एलॉयज भी बहुत अच्छी तरह वॉश हुए हैं जो कहीं पे हो नहीं पाते, क्योंकि भाई इसके जो है ना ब्लू एलॉयज हैं जैसे आपको पता ही है। और भाई कुछ जगह ना रस्ट लग रहा था, वो भी भाई ने अच्छी तरह क्लीन कर दिया है, ठीक है भाई। 2 दिन बाद क्लीन कराऊँगा तो और भी अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी। और भाई इतनी तेज़ यार आवाज़ आ रही है बाइक की, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीनिंग कितनी अच्छी हो रखी है, ठीक है। और भाई ये है डिटेलिंग डेविल्स, जिसको आना है वो आके यहाँ पर काम करवा सकता है।